हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज मैं देखो आप लोगों के साथ भी क्या शेयर करती हूँ। निकू बिनू सो रही है तो मैं उनको अभी जगाऊंगी और सोच रही हूँ इवनिंग में कुछ उनके लिए सही सा अच्छा सा स्नैक्स बनाऊं, क्योंकि उन्होंने दोपहर में खाना कम खाया क्योंकि गर्मी बहुत है। और देखती हूँ फ्रिज में कुछ सब्जियाँ रखी हैं, गर्मी बहुत है, जो फट से बन जाए थोड़ा सा जल्दी, तो सोचूं उपमा बनाती हूँ तो वही टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखिए मैंने सब्जियाँ थोड़ी सी निकाल के चॉप कर ली हैं और इन्हीं के साथ मैं बना देती हूँ उपमा। तो बस पैन रखा है, पैन में मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा और जीरा जैसे ही हो गया उसमें मैंने डाल दिए हैं ये अनियन, बहुत थोड़ा सा अनियन डाला है और साथ ही इसमें डाल दी है कैरेट। मैंने ये कैरेट भी हमने ग्रेट करके रखे हुआ था इसे, और थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा मान ये डाल के, थोड़े से मैंने मूंगफलियाँ भी डाल दी हैं इसके अंदर। वो रोस्टेड मूंगफली रखी हुई थी मेरे पास तो मैंने दो चार दाने डाल दिए, टेस्ट अच्छा लगता है। बाद में इसमें डाल दिया टमाटर, एक टमाटर चॉप करके रखा था मैंने, और मैगी मसाला। मैगी मसाला एक्चुअली मैगी मसाले का टेस्ट वैसे सबको ही पसंद आता है पर मेरे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही पसंद रहता है। वो हर चीज़ में मैं ऑलमोस्ट डाल देती हूँ, और बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया हल्का सा तीखापन के लिए। बाद में डाल दी मैंने सूजी। सूजी को मैंने कोई मैं कभी भी भूंजती नहीं हूँ, बना कुछ लोग भूंज के बनाते हैं बट मैं उसे डायरेक्ट ही डालती हूँ। मैंने रो सूजी ही डाली है इसके अंदर। और आप लोग कैसे डालते हैं, भून के या फिर डायरेक्ट मेरी तरह, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। बट उसमें पानी का थोड़ा सा अप डाउन हो जाता तो बस इसको लेके इस टाइम पे मैं भूंज देती हूँ। अच्छे से भूंजने के बाद इसमें मैं डालती जा रही हूँ पानी। इसमें पानी जो है, कभी भी अगर आप उपमा बनाते हैं तो पानी हमेशा गर्म करके रखें। ये अच्छा गर्म वाटर रखा हुआ था मैंने, अलग मैंने रख दिया था रेडी करके। तो ये उसको डालते जा रहे हैं और जितना पतला आपको रखना है। एक्चुअली बच्चे थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ, और जैसे जैसे इसमें लम्स ना पड़े ऐसे घुमाती जा रही हूँ और साथ में पानी डालती जा रही हूँ। तो ये शुरू में बहुत ज़ोर ज़ोर से इसमें बबल्स आते हैं तो ये उछटता है, बट जैसे जैसे ये पकेगा ना तो वैसे ये उछलना बंद कर देगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैं जैसे ये ज़्यादा जंपिंग करेगा तो मैं बंद कर दूँगी। और ये देखिए ये हो गया है रेडी, और बहुत टेस्टी सा उपमा रेडी हो गया है और बस दोनों के लिए तैयार है। गुड्डे मेरे खाएंगे, बस बनाइए खाइए, मैं भी उन्हें खिलाती हूँ, जगाती हूँ जाकर। दोहा नहीं है बेटा, उपमा है। कैसी है, कैसा बताओ ना, कैसा है बिनू, कैसा है? अभी हम लोग आए हैं नाइट पे बाहर क्योंकि हमें कुछ सामान लेने थे, तो बस हम लोग यहाँ पर लेने के बाद फिर चलते हैं घर पर। यही मेरा आज का वीडियो था, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।